हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेस पर ट्रेड करें। तो ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का कल जैसे मैंने एनालिसिस किया था कि 10,666 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वोलेटिलिटी के बेसिस पे भी जो टारगेट निकल के आया था 10,660 का, वहीं पे जाकर के एक बॉटम बना करके मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे 10,682 के आसपास बंद हुआ है। अब कल का रेंज कैसा रहने वाला है, तो कल का रेंज 10,700 के ऊपर अगर निफ्टी आती है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ये 10,765 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। और ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है, इसको अब पार करना बाजार के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा और अभी ये इसके ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। और ये 10,660 का लेवल टूटता है तो ये जो हमारा सपोर्ट है 10,610 के आसपास, और 10,610 का लो बना करके फिर से इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा और फाइनल जो बॉटम बनेगा 10,570, और ये लास्ट सपोर्ट जो है 10,510 मीन्स 10,520 के आसपास एक फाइनल बॉटम बन सकता है। ये सारे सपोर्ट लाइन है। ये पहला जो सपोर्ट लाइन है जहाँ पे आज सपोर्ट किया है निफ्टी ने 10,660 पे, सेकंड सपोर्ट जो है 10,610 और थर्ड सपोर्ट जो है 10,550 और फाइनल सपोर्ट जो दिख रहा है 10,500 के आसपास का। तो ये रहा हमारा मेजर सपोर्ट लाइन। इस सपोर्ट को अगर ये सपोर्ट टूटता जाता है तो ऊपर का हम रेजिस्टेंस मान करके हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो अभी जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है इसका जो मिड पॉइंट है आप 50 पॉइंट ऐड कर दो तो 10,715 के आसपास, जो आज बार बार स्ट्रगल भी कर रहा था, कंसोलिडेट भी कर रहा था, वो एक ऐसा लेवल हो गया कि वहाँ पे जाता है तो आप 10,765 का स्टॉप लॉस लगा के 10,720-15 के आसपास सेल कर सकते हैं। और हम टारगेट जो होगा 10,060 और 10,600 का कल के लिए, और ऊपर का रेजिस्टेंस जो होगा 10,720 और 10,770 का, और 10,770 के आसपास ऊपर मूव करता है तो हम बहुत बड़ी रैली देखेंगे निफ्टी में। जो एक रेजिस्टेंस जो है 10,870 तक जा सकता है, कल नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में मे भी अगर हुए लेवल टूटे तो, जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और जो मेरी स्टडी थी कि बाजार कहीं ना कहीं टॉप बना लेगा अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट या सेकंड वीक में, उसके बाद हम बाजार को 18-19 तारीख तक बॉटम देखेंगे। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अप्रैल में ये डिस्कस किया था 18-19 तारीख को बॉटम बन सकता है, और 10,100 का जो मेरा लेवल था वो अब 10,500-600 पे बॉटम बनेगा और यहाँ से रिकवरी कंसोलिडेट होगा। उसके बाद हम मई जून में बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे। तो जून जो मैंने एनालिसिस किया है कि 21 से लेकर के 29 जून तक एक बॉटम बनेगा और आने वाले टाइम में वो एक्चुअल डेट निकालेंगे हम एज फॉर ग्रैंड टाइम साइकिल एनालिसिस। 29 जून को एक बॉटम बनेगा एज फॉर ग्रैंड टाइम साइकिल एनालिसिस। तो इस तरीके से ये सारे जो लेवल हैं ये सारे गैन के लेवल हैं। चार्ट पे हमने विड्रॉ किया है एनालिसिस पर्पज से कि किस तरीके से लेवल टूटता है। ये सारे पोजिशनल लेवल हैं, पोजिशनली यहाँ पे सपोर्ट लेगा। एक अहम लेवल निकल के आया है गैन का, वो हमने चार्ट पे स्टडी किया है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या निकल के आया है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही डेंजर चार्ट बनाया था ये,
और वहाँ से अगर ये गिरता है और ये लेवल 10,970 का लेवल टूटता है तो ऑलमोस्ट इस गैप के लिए हम जो सपोर्ट है 25,500 तक आ सकते हैं। तो एज फॉर टेक्निकल लेवल एनालिसिस, यहाँ से हम अगर इस गैप को भी फिल करने आएंगे तो 10,850 तक आ सक 25,850 तक आने के चांसेज हैं। और उसके बाद अगर ऊपर का जो लेवल रेजिस्टेंस है 10,250 और सॉरी 26,300 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने एनालिसिस किया ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।